वेलकम बैक टू माय चैनल सविता सिंह ऑल इन वन। तो आज है रक्षाबंधन और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो अभी हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी है तो वो ड्यूटी से आएंगे, मैं और मेरा बेटा घर पे रहेंगे। मैं अपने बेटा को राखी बांधती हूँ, ये मैं शुरू से करते आई हूँ क्योंकि बंधन और मैं अपने बेटे को राखी बांधती हूँ। क्यों बांधती हूँ? इसलिए बांधती हूँ क्योंकि मैं जब उसका फर्स्ट रक्षाबंधन था तभी मैंने सोचा, मेरी दीदी की बेटी उसको राखी बांध रही थी, तब हम बॉम्बे थे, तो मुझे लगा आज हम लोग साथ में यहाँ पे एक साथ हैं तो फिर अलग अलग होंगे तो मेरे बेटे को राखी कौन बांधेगा। और आजकल लोगों को अपने भाई बहन में नहीं बनता है, बस बात हो या ना हो ऑनलाइन राखी भेज देते हैं, यही रिश्ता रह गया है, अब ऑनलाइन ही रिश्ता रह गया है। तो मुझे लगा तब तो मेरे बेटा को बहुत फील होगा कोई राखी नहीं बांधेगा, तो आज मन मिल रहा है, कल नहीं मिला तो कोई मेरे बेटे को राखी नहीं भेजा तो, और हुआ वही भी। खैर मैं उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं अपने बेटे को राखी बांधती हूँ और कोई भी बांध सकता है, जिनका भाई नहीं है वो अपने पापा को राखी बांध सकते हैं। तो वैसे मुझे तो कोई इसमें ये नहीं लगता, हो सकता है कि बहुत लोग मजाक बनाए, लेकिन अभी तक मेरी किसी भी फ्रेंड ने, जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी और मैं स्टेटस लगाती थी तो मेरी फ्रेंड लोग को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ भैया बहुत अच्छा किया तुमने, तो मैं हमेशा राखी बांधती हूँ और मुझे गिफ्ट भी मिलते हैं। और इस बार तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिले और इतने अच्छे अच्छे मिले, अरे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और पापा से डिमांड कर करके सामान खरीदवा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे गिफ्ट भी दिखाऊंगी, कुछ सरप्राइज़ भी है, कुछ मेरे साथ जाके लिया है, लेकिन हाँ कुछ सरप्राइज़ तो है जो उसने बोल रहा है कि हाँ सरप्राइज़ है। तो यहाँ मैं बस अपना टाइम काट रही हूँ क्योंकि 1:30 के बाद ही राखी बांधना था, तो पतिदेव चले गए थे और मैं चाय पी ली थी लेकिन लेट हो रहा था तो मैं ब्रश नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैं बेड वेड ठीक करूँगी क्योंकि धीरे धीरे मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ खाना नहीं खाऊँगी लेकिन मैं जूस पीऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है, ये आज मैं पहनने वाली थी, ये लिवाज से मैंने लिया था, मेरे को लग रहा है लगभग 2 महीना हो गया है, तो ये लिवा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही पहनने वाली थी, यही सोच रहा था मैंने कि रक्षाबंधन में मैं ये पहनूंगी, पर बेटा का अलग ही नखरा था, उसने एक ड्रेस जो उसके पापा पसंद किए थे वो मैं लेके आई थी, एक वो मेरे को गिफ्ट करने वाला था जो कि जिद करके पापा से खरीदाया था तो वो रखा था, ये इसके पापा ने पसंद किया था तो ये इसको बहुत पसंद आया था कि मम्मा यही पहनना रक्षाबंधन के दिन। लेकिन क्या हुआ कि मुझे इसका पैंट नहीं मिल रहा था, इस कलर का मैंने ऑनलाइन मंगाया मीशो से, तो मीशो से इतना गंदा आया कि पता नहीं, हो सकता है कि मुझे सिलेक्ट करने में गलती हुआ हो तो अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने पूरा मार्केट सर्च किया और बाद में मुझे ये पैंट मिला, ये थोड़ा सा डार्क है लेकिन बहुत अच्छा जा रहा था और ये पैंट मुझे अच्छा खासे प्राइस में मिल गया था और इस पर एम्ब्रॉयडरी भी किया हुआ था, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा इसके साथ लग रहा था। और थोड़ा सा लाइट कलर था जो मैंने मीशो से मंगाया था, जो कि इसके साथ बहुत अच्छा कलर जा रहा था, लेकिन वो कपड़ा एकदम अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने ये लिया और ये बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैं फाइनली यही पहनने वाली थी, लिबास वाला कभी पहन लूँगी। ये इयररिंग्स मैं पहनने वाली थी जो बेटा ने मेरे मदर्स डे पे मुझे दिया था, लेकिन अभी तक तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये पहनने के लिए मैंने रखा था और ड्रेसिंग आईना पे मैंने रखा था तो एक पता नहीं कहाँ गिर गया, तो मैं नहीं पहन पाती हूँ तो फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि वो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था वो इयररिंग्स। मैं आर्टिफिशियल पहनती नहीं हूँ, कभी कभार वीडियो बनाने में पहन लेती हूँ, लेकिन ये मैं बहुत पहनती हूँ। तो इस बार भी वो इयररिंग्स लेने वाला था लेकिन मैंने मना कर दिया था, उसने ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का पसंद किया था बड़ा बड़ा सा, मैं बोली रहने दे बेटा तू पापा से बस छोटा छोटा सा खरीदवा दे, हाँ और यहाँ से नहीं खरीदवा, दूर से खरीदवा दे, मेरे कहने का मतलब था गोल्ड दिला दे, हाँ। तो फिर मैंने बस ऐसे ही मजाक में कहा था और मैंने इयररिंग्स के लिए इसको मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं पहनती आर्टिफिशियल, तो फाइनली मैं यही ड्रेस पहनने वाली हूँ। और अभी मैं हॉल ठीक कर ली हूँ, जो भी सामान वामान बिखरा था मैं ठीक कर ली हूँ। और पहले जो बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको
उनको पता होगा कि मेरे भगवान जी हॉल में पहले थे। तो यहाँ पे मैं अभी किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने राजमा भिगो के रखा है कि मुझे आज लंच में राजमा बनाना है। मैंने यही माइंड मेकअप करके रखा था कि मैं आज राजमा बनाऊँगी, क्योंकि मुझे किचन साफ़ करना है। तो मैंने किचन का डब्बा साफ़ कर लिया। अब रूम में आती हूँ। रूम तो ये हमेशा बिखरा ही रहता है। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े ला के रख दिए हैं ताकि वो रूम मैं ठीक कर सकूँ। और इस रूम का एक और भी ख़राब होने का रीज़न हो जाता है कि इसमें कोई सोता नहीं है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा धो के रखा है और है जो भी सामान होता है लाके मैं इस बेड पे रख देती हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले मेरे भगवान जी हॉल में थे, तो मैं इनको यहीं पे लाके रख दी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कोई बाहर से आता था और डायरेक्ट हॉल में ही भगवान थे। हम लोग बाहर से आते थे तो हम लोग बाथरूम में जाके पैर धोते थे, लेकिन भगवान तो वहीं हैं। बाहर का पैर आके फिर मैं वहीं डायरेक्ट भगवान के पास आती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कोई बाहर से आ रहा है, जूता पहना हुआ है, पूरा मार्केट घूम के फिर हॉल में बैठ जाता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वही एंट्रीज है, वहीं पे भगवान है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि भगवान को यहाँ से शिफ्ट करना है, पर मैं कहाँ करूँ। लास्ट में मैंने सोचा कि यहीं करते हैं, क्योंकि ये रूम ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। इसमें 6x7 का बेड भी है। यहाँ पे स्टडी टेबल बड़ा वाला है, इस पर बड़ा वाला कैसियो रखा हुआ है मेरा बेटा का, फिर भी इस पर इतना स्पेस है। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है बेड के साइज़ का, जो उसका चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ही छोटा है। फिर यहाँ पे मेरा मंदिर, कबर्ड, इसी में वॉशिंग मशीन है, एक इससे अटैच वॉशरूम है जिसमें मैं पहले सिर्फ नहाती थी, तो वो भी अब नहाना नहीं होता है क्योंकि मैं उसी में नहा लेती हूँ। पहले मैं ही इसमें नहाती थी, क्योंकि इसमें वेस्टर्न है ना, वॉशरूम वेस्टर्न है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस था, वो छोटा लगता है, तो मैं इसी में नहाती थी। लेकिन अब लगता है कि मैं भी उसी में काम की, उधर ही नहा ली। और यहाँ पे मैं ये जो सिंगल सोफ़ा है इसको मैंने ठीक नहीं किया, अभी करना है मुझे। ये अपना शोकेस भी ठीक करना है, इसमें भी बहुत सारा सामान है। यहाँ पे एक आपको बॉटल दिख रहा होगा, वो भैया राखी भेजा ना, भतीजी मेरी, तो उसके तरफ से गिफ्ट है। और दीदी की लड़की जो दी राखी भेजी है उसके साथ एक सिल्वर कॉइन और चॉकलेट है। तो हमेशा राखी के साथ वो लोग गिफ्ट ज़रूर भेजते हैं। सबसे छोटा भाई है ना इसीलिए, और इसको भी ठीक करना है मुझे। मैं ये बहुत दिन से शोकेस में ठीक नहीं, यहाँ पे दीदी का बेटी जो राखी भेजी है वो है, और बहुत दिन से मुझे ये ठीक करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। और ये मैं अपने लल्ला के लिए लेके आई हूँ राखी, क्योंकि मैं हमेशा उसको थोड़ा सा यूनिक लाइट वाला ऐसा ही देती हूँ। लेकिन बहुत दिनों से मेरा मन है कि मैं एक सिल्वर का राखी लूँ, लेकिन मुझे अभी तक वैसा जचा नहीं है। मैं कस्टमाइज़ करके बनवाऊंगी उसके लिए। और यहाँ पे बेड ठीक कर दी और कपड़े उठाई हूँ, और कुछ बाकी है उठा के उनको फोल्ड करके रखना है। अभी तक मेरा यही चल रहा है कि मैं कपड़े फोल्ड करके आज रख दूँ, फिर जाके उस बेड पे नहीं रखा हूँ। लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि मैं तब से टाइम पास करते 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 लेट कर चुकी हूँ। अभी मुझे बनाना शेक भी बनाना है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है मेरे से। फ्रिज पे देख रहे हैं कल मेरे हस्बैंड सोनपुर गए थे हरियानाथ बाबा, क्योंकि इनकी ऑफिस सोनपुर ही है, तो वो प्रसाद भी रखा हुआ है, थोड़ा सा है उसमें, वो प्रसाद रखा हुआ है। कुछ मेरा पार्सल है जिसको मुझे रिटर्न करना है वो है, ये डब्बा मेरा बेटा यहाँ रखा है। ये हमारा कॉमन एरिया है। जा रही हूँ राजमा बनाने, तो यहाँ पे है राजमा, और मैंने कुछ अनियन को कट कर लिया है, कुछ को घिस दिया है, ग्रेटर से ग्रेट करके रख दिया है। अब आगे मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, उसके बाद नहाऊँगी, उसके बाद राखी बनाने का टाइम हो ही जाएगा। मैं नहा वहा के पूजा कर ली, उसके बाद मैं टाइम देख रही हूँ, तो टाइम हो गया है, 1:45 हो रहा था। तो मैं सोची कि पहले लड्डू गोपाल को राखी बांध देती हूँ, उसके बाद लल्ला को राखी बांधती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस अब राखी बांधने का एकदम ये है कि राखी बांध, क्योंकि लेट हो रहा है, मेरे पतिदेव फ़ोन कर दिए हैं ऑफिस से ही
आखे राखी जल्दी बांध दो, मैं क्योंकि उनको थोड़ा हो सकता है कि आज लेट हो आने में, तो और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अभी तक मैं खाना नहीं बनाई हूँ, सिर्फ राजमा बनाई हूँ, चावल नहीं बनाई हूँ, राखी बांधे बांधे लेट ना हो जाए और मेरे पति देव आ जाएंगे तो उनको मैं खाना कैसे खिलाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैं राखी बांधूँगी लड्डू गोपाल को। मधुर सुना दो ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो सुना दो। तो यहाँ पे मैं राखी बांधने आ गई हूँ। तो पापा वीडियो कॉल पे हैं क्योंकि पापा भी ऑफिस में हैं और पापा को इसका नखरा देखना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं रुमाल लेना भूल गई थी तो अभी मैं रुमाल लेके इसका सर ढक देती हूँ। लक्की दीदी का अपना गिफ्ट लो, ये देखो ये लकी दीदी का है चॉकलेट, सिल्वर कॉइन, ये सिल्वर प्लेट और ये है चुंगुल दीदी का एक कार्ड, एक ये हटा लो कार्ड और एक वाटर बोतल। सबसे खतरनाक ये मम्मा की तरफ से थैंक यू। अब देखिए मुझे क्या क्या मिल रहा है, देखिए ये मेरी तरफ से थैंक यू, भी मेरी तरफ से थैंक यू, भी मेरी तरफ से
पैसा भी है, देखिए पैसा भी है। अब सबसे खास चीज पापा अपने काम में बिजी हो गए थे, उनको हम लोग बाय भी कर रहे थे तो हम लोग को देख नहीं रहे थे, वो अपने फ़ोन कॉल पे थे। और उसके बाद मुझे सच में सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा, ये इयररिंग्स मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे अनबॉक्सिंग चल रही है, इसने एक मेरे लिए लेटर लिखा था वो भी सुना है, और गाना भी मेरे लिए बनाया था। Sona, I love you. Thank you for watching.